नमस्कार, वीएम भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। बुलेटिन से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट के चार दोषी आतंकियों की सजा पर बहस हुई पूरी। कल शाम 4 बजे सुनाई जाएगी चारों दोषियों को सजा। चूरू में शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कक्षा 4 की 19 छात्राओं के साथ की थी घिनौनी करतूत। अजमेर में महिला की सड़ी गली मिली लाश। मामले में आरोपी गिरफ्तार। अवैध संबंध के शक में गला दबाकर की गई थी हत्या। रुक करते हैं खबरों की ओर। चूरू जिले के गांव पिथीसर में कक्षा 4 की 19 छात्राओं के साथ घिनौनी करतूत करने वाले आरोपी सरकारी शिक्षक कुंतक साखोलियो को डीएसपी सुखविंद्र पाल सिंह की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। अजमेर जिले के रामगंज थाना इलाके में बंद कमरे में मिली महिला की सड़ी गली लाश। मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक बीते 6 दिसंबर को सरस्वती नगर के एक मकान से बदबू आने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो मकान के एक कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। बदबू उसी कमरे से आ रही थी। कमरे को खोलने पर अंदर एक महिला की लाश मिली, जो 1.5 महीने पुरानी थी। मामले की पुलिस ने जांच की तो मृतका की पहचान संतोष के रूप में हुई। इस मामले में संतोष के भाई से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने एक ठेकेदार मुन्ना लाल पर शक जाहिर किया, जिस पर पुलिस ने मुन्ना लाल को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। मनोहरपुर में स्थित गांव रामपुर में गत बुधवार को सीआरपीएफ के पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय अजमेर के डीआईजी पुखरा जयपाल, राजेंद्र सिंह एएसआई, गंगाराम एएसआई, प्यारेलाल एएसआई और अन्य अधिकारियों ने कोबरा बटालियन शहीद मुकेश कुमार बुनकर के समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें, शहीद मुकेश कुमार 2012 में झारखंड के नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन पैथर में मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया था। नगरपालिका सांगवाड़ा के पालिका क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी हितेश कुमार रोत के आदेश अनुसार अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया और डामरीकरण का कार्य शुरू करवाया गया। इस मौके पर राजेंद्र पाल सिंह राठौड़, कनिष्ठ अभियंता जगदीश पाटीदार, कनिष्ठ लिपिक और अतिक्रमण शाखा प्रभारी मयूर सेवक मौजूद रहे। छोटी सादड़ी ब्लॉक के समस्त राशन डीलरों का कलेक्टर अनुपमा जोरवाल, डीएसओ विनय कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी रामचंद शेरावत, प्रवर्तन निरीक्षक मनोज कुमार, खाद्य निगम के कई अधिकारीगण की मौजूदगी में तकनीकी प्रशिक्षण संपन्न किया गया। इस प्रशिक्षण में छोटी सादड़ी क्षेत्र के समस्त डीलरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। का प्रशिक्षण दिया गया है यहाँ पे राजस्थान सरकार ने भी जयपुर में भी सभी डीएसओ को स्टेट के ट्रेनिंग दी थी। इस बारे में जो राशन दुकानें चलाते हैं डीलर्स, उनको तकनीकी ज्ञान पूरा होना चाहिए। इस संदर्भ में हमने भी ब्लॉक वाइज प्रशिक्षण आयोजन किया है और जिला कलेक्टर मैडम द्वारा उसकी स्वीकृति के बाद जिले के हेडक्वार्टर जो कलेक्टर मैडम का हॉल है, इसी में सभी जिले के ब्लॉक वाइज ट्रेनिंग चल रही है। आज जैसे सादड़ी ब्लॉक की ट्रेनिंग चल रही है, इसमें कलेक्टर मैडम खुद आई है, उन्होंने अपनी तरफ से बातें बताई। इससे जो चीज़ें गैप होता था, मशीन ख़राब हो रही है, डीलर कुछ कई दो बार गलतियाँ कर लेते हैं, उन सबका सुधार हो जाएगा और वितरण व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और पूर्व बड़ी सादड़ी विधायक गौतम दग गत बुधवार देर शाम चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ गौतम दग जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस अवसर पर विधायक गौतम दग ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी पार्टी आलाकमान ने दी है, उसे निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास करेंगे।
वहीं जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में चार आतंकियों को दोषी करार देने के बाद आज सजा के बिंदुओं पर बहस की गई। सजा बिंदुओं पर बहस पूरी होने के बाद अब कल शाम 4 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा। बहस के बाद दोषियों को वापस जेल भेज दिया गया। बता दें, मई 2008 को परकोटे में 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 185 घायल हुए थे। बास्को के रोजवाड़ी में स्थित राजकीय विद्यालय में भामाशाह द्वारा 250 बालक बालिकाओं को जर्सी वितरित की गई। कार्यक्रम के अध्यक्षता प्रधान गणेश नारायण शर्मा ने की। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के सीताराम तिवाड़ी, एसडीएमसी सदस्य मथुरालाल शर्मा, नंदलाल शर्मा, बाबूलाल कचौलिया आदि लोग इस मौके पर मौजूद रहे। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए व्यामा भारत टीवी के साथ। नमस्कार।